चलिए आइए दोस्तों, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 9। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया गया था कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में बिल्कुल आने के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आरटीपी एमटीपी में कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है, पूरा नहीं आ सकता है, इसमें से एक दो पॉइंट कम कर देगा, ठीक है। 4 पॉइंट है तो एक दो पॉइंट कम करके एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तब मैं जो है डायरेक्टली ये बोलूँगा कि इलुस्ट्रेशन 8 देख लो, ठीक है ना, तब मैं ये बोलूँगा। तो अच्छे से टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, इसका फ़ायदा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है। आइए इलुस्ट्रेशन नंबर 9। और एक चीज़, अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया तो वहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला कि सर वीडियो में क्वालिटी अभी तक नहीं आई है। तो देखिए, क्वालिटी फुल क्वालिटी पे ही वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के तुरंत जो है क्वालिटी यहाँ पे नहीं आ जाती, यूट्यूब थोड़ा सा स्कैनिंग करता है और फिर उसके बाद क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो वीडियो अपलोड होने के बाद 25-30 मिनट जो है रुक जाइए, क्वालिटी ऑटोमेटिक आपको फिर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग अपलोड होने के तुरंत आप जो है देखेंगे तो हो सकता है कि क्वालिटी ना देखने को मिले। इलुस्ट्रेशन नंबर नाइन जो है वो एबीसी आपका कॉन्सेप्ट है, एबीसी कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस। ये आपका जो पॉइंट है, न्यू पॉइंट एबीसी एनालिसिस, इसके बेस पे है एबीसी एनालिसिस। ये रहा, ये आपका पॉइंट है। इसमें जो है तीन कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। यहाँ पे एबीसी एनालिसिस है क्या, देखिए एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि आपके पास, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिजनेस के पास, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बिजनेस, बिजनेस के पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट होती है, ठीक है। काफ़ी सारी प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, देखिए पॉइंट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, या फिर देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं नहीं देखता अभी, ठीक है, पहले मैं देखता था, खैर वो छोड़िए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आपने देखा होगा जेठालाल जो है उनके पास एक गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उनके पास काफ़ी सारे मोबाइल्स होते हैं अलग अलग प्राइस के, कभी 1500 हो सकते हैं, 5000 लेके 10000, 15000, 20000, 50000, ठीक है, ऐसे मोबाइल्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनके पास। क्या मैं ये कह सकता हूँ? सर बिल्कुल कह सकते हैं। एबीसी एनालिसिस इन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर जो है बेस्ड है, मतलब कि एबीसी एनालिसिस कहता है कि आप एक काम कीजिए, तीन कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट को बांट दीजिए, तीन कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट्स को बांट दीजिए, एबीसी एनालिसिस ये कहता है। मतलब आप समझ में नहीं आया सर? देखिए तीन कैटेगरी में आपको बांटना है, मतलब कि यहाँ पे जो है एबीसी एनालिसिस ने कहा कि कैटेगरी ए बनाइए, कैटेगरी बी बनाइए और कैटेगरी सी बनाइए। कैटेगरी ए में वो प्रोडक्ट रखिए जिनकी वैल्यू जो है वो 70% या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब कि हाई प्राइस वैल्यू कि जितने भी प्रोडक्ट है वो ए कैटेगरी में आएगी। बी कैटेगरी में जो है वो आपको कहा गया है कि 20% या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन 70% तक, क्योंकि 70% या फिर उससे ज़्यादा तो ए कैटेगरी में है, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया कि 70% या फिर और अबो जो है वो कहाँ पे जाएंगे, कैटेगरी ए में 20% या फिर उससे ज़्यादा और अबो जो है वो कहाँ जाएगी, कैटेगरी बी में। ये क्या है, ये 70% की 20% क्या है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये 70%, ये किस चीज़ का 70%, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का 70%, ठीक है। सो 70% वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ओके, तो उस चीज़ का आपको 70% लेना है। तो जिनकी वैल्यू 70% या फिर उससे ज़्यादा है वो कैटेगरी ए में जाएंगे, जिनकी वैल्यू 20% या फिर उससे ज़्यादा है वो लेकिन 70% तक है वो बी में जाएंगे, और जिनकी वैल्यू 20% से कम है, मतलब कि 10% तक है, 10% और अबो या फिर लेस है, ठीक है, वो कैटेगरी सी में आएंगे। इन शॉर्ट मीडियम क्वालिटी जो है, मीडियम प्राइस जो है, वो गुड्स जो है वो बी में आएंगे, मीडियम हाई प्राइस जो है वो आपका जाएगा ए में, और जो है आपका लेस या फिर लो प्राइस, लो प्राइस जो है, लो वैल्यू जो है गुड्स, वो कैटेगरी सी में जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे बातें करी गई है। अब सिंपली यहाँ पे समझिए कि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन आपके आईसीए मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, वो हम प्रैक्टिस करके देखिए। आईसीए मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया है, इस तरीके का क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके का एग्जाम में आ सकता है वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम इलुस्ट्रेशन 9 पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये समझाऊँगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम में आपका जो है एक RTP MTP का क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये आपका जो इलुस्ट्रेशन 9 है उस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, लेकिन एक दो चीज़ें ऐड करके आपको देगा जो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इलुस्ट्रेशन नंबर 9 समझते हैं कि क्या है। देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 9 सबसे पहले कहता है कि फॉलोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको सिंपली ड्रॉ करना है प्लान ABC सिलेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले पता चल गया कि ABC एनालिसिस का क्वेश्चन है, और सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आपको ड्रॉ देखने को मिलता है, तो आप ये समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉ करना है क्या, डायग्राम वगैरह। नहीं, ड्रॉ अ प्लान का मतलब है कि ABC एनालिसिस के हिसाब से वो 3 कैटेगरी में जो है हम यूनिट को बांटे, इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, क्वेश्चन ने ये कहा है। तो यहाँ पे जो है आपको यूनिट प्रोवाइडेड है और यूनिट की कॉस्ट प्रोवाइडेड है। बेसिकली जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये 70%, 20% और 10%, ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा था वो सिंपली किस चीज़ की है, वो सिंपली आपकी जो है वो सिंपली ये आपका यूनिट जो कॉस्ट है वो वही चीज़ है, ठीक है, यूनिट कॉस्ट। आइए अब सिंपली यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सिंपली यहाँ पे जो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आपको 2-3 चीज़ें और देगा, ठीक है, वो बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से करना है देख लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले यूनिट लिख देंगे और यूनिट कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले एज इट इज़ सॉल्यूशन में ये चीज़ लिखेंगे, यूनिट आपने लिखा, यहाँ पे यूनिट लिखा आपने और यूनिट की कॉस्ट लिख दी, ठीक है। ये 2 चीज़ें लिख दी आपने एज इट इज़, जो क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज़ लिख दी, ठीक है, एज इट इज़। ओके, इसका टोटल लगा दिया, टोटल दोनों का, यूनिट का और यूनिट की कॉस्ट का। यूनिट की कॉस्ट कहाँ पे है, ये रहा यूनिट की कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से कॉलम थोड़ा सा चेंज हो गया, ये कॉस्ट इस तरीके से जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये ना, नहीं यहाँ पे, चलिए सब कुछ सही है, इस तरीके से ये यूनिट की कॉस्ट, ठीक है, यूनिट की कॉस्ट इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, तो यूनिट की कॉस्ट आपकी सिंपली यहाँ पे लिख दी आपने, यूनिट लिख दिया। अब सिंपली यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है। देखिए टोटल कॉस्ट ही मेन चीज़ है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट स्टेप 1 आपका होता है, स्टेप 1 जब ABC एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेप 1 होता है टोटल कॉस्ट निकालिए, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालिए। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट निकलती है यूनिट आपको गिवन है इंटू यूनिट कॉस्ट, यूनिट इंटू यूनिट कॉस्ट, आपको यूनिट ने आपने लिख दिया और यूनिट कॉस्ट लिख दिया, दोनों का इंटू करना है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आपके सामने क्या आ जाएगा, सिंपली आपके सामने ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जैसे कि 7000 × 4.450, तो 7000 × 4.450, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 31150। इस तरीके से 4000 × 19.140, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 आपने काम कंप्लीट कर दिया, स्टेप 1 आपका जो है टोटल कॉस्ट निकालिए, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको निकालनी थी आपने निकाल दी, ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट आपके सामने है। चलिए स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर दिया, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है आपको सिंपली उस चीज़ का जो है परसेंटेज निकाल लेना है, किस चीज़ का, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का परसेंटेज कैसे निकलता है, देखिए परसेंटेज निकलता है टोटल कॉस्ट सबसे पहले निकाल ली, उसका आप काम कीजिए, उसका आप जो है टोटल निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट का टोटल, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 355,770। अब इसके बेसिस पे ही आपका टोटल का परसेंटेज निकलेगा कैसे, देखिए सबसे पहले 1 के लिए निकालूँ, ठीक है, 1 के लिए निकाले तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, आपका कितना अमाउंट है 31,150 डिवाइड बाई, आपको टोटल करना है, डिवाइड बाई टोटल कीजिए, डिवाइड बाई 3,55,770, ठीक है, 770, तो कितना आया बताइए, तो
31,150 डिवाइड बाई 355,770, तो ये परसेंटेज आ रहा है 8.7556 इस तरीके से। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसी तरीके से 76,560 डिवाइड बाई टोटल, तो 76,560 डिवाइड बाई टोटल कीजिए, तो यहाँ पे बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे 76,560 डिवाइड बाई 355,770, तो ये आपका आएगा 21.51 उस तरीके से परसेंटेज आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसलिए इसके बाद थर्ड के लिए भी टोटल डिवाइड बाई टोटल, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल, ठीक है, 13,350 डिवाइड बाई 355,000, तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपने सबसे पहले परसेंटेज निकाल लिया, तो सेकेंड स्टेप आपका क्या हुआ, स्टेप टू, ये आपका स्टेप वन था, स्टेप टू आपका है प्रोबेबिलिटी निकालिए या फिर परसेंटेज में कह दो, ठीक है, परसेंटेज आप निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। तो परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट आप निकालेंगे, ये आपका सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, चलिए ये भी हाईलाइटेड हो गया, ठीक है, चलिए ओके, सेकेंड स्टेप खत्म। अब सेकेंड स्टेप खत्म तो काम भी खत्म, ठीक है, अब सिंपली काम खत्म हो चुका है, अब सिंपली रैंकिंग देना है। अब देखिए रैंकिंग जो है वो यहाँ पे एज्यूम करा गया है, सबसे पहले ये देख लीजिए, एज्यूम करा गया है यहाँ पे कि रैंकिंग इस तरीके से होगी। यहाँ पे कहा गया है कि 50,000 या फिर उससे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है उसे कैटेगरी ए में हमने डाल दिया, ठीक है, 50,000 या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू के जो भी प्रोडक्ट है उसे हमने कैटेगरी ए में डाल दिया है, 50,000 से कम लेकिन 13,000 तक कैटेगरी बी में, और सी कैटेगरी में हमने 13,000 से नीचे के जितने भी है सी कैटेगरी में डाल दिया। अब एज पर रूल मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो इसकी वैल्यू है वो ए में जाएगा, इसलिए हमने जो है यहाँ पे 50,000 से ऊपर के जितने भी वैल्यू के गुड्स है उसे कैटेगरी ए में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमने एज्यूम करा है, ये हमने एज्यूम करा है, जबकि मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में आएगा वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि ये एज्यूम आपको करना नहीं है, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन ये आपको देगा, ये चीज़ आपको क्वेश्चन देगा, समझे, ये चीज़ जो है आपको क्वेश्चन खुद देगा कि कितनी परसेंटेज तक की जो गुड्स है वो आपकी कैटेगरी ए में आएगी, कैटेगरी बी में आएगी, ये सारी चीज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा, ठीक है। अगर नहीं देता है तो 99% तो चांस है कि ये खुद देगा, ठीक है, 1% है तो आप खुद एग्जाम एज्यूम कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके यहाँ पे है वही एज्यूम करे, कोई भी किसी भी तरीके से एज्यूम कर सकते हैं अपने तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे 60,000 ले लीजिए, 60,000 या फिर उससे अबव है तो हम कैटेगरी ए में डालेंगे, ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेकिन 99% चांस है कि ये खुद कहेगा क्वेश्चन में, ये खुद देगा कि ये परसेंटेज आप ए में डालिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, परसेंटेज आपने निकाल लिया, आपको सिंपली इसके ऊपर से रैंकिंग दे देना है, रैंकिंग मतलब कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 21, सबसे ज़्यादा 23%, तो उसे कैटेगरी सबसे पहले रैंकिंग वन देंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आपका जो है 20 से ज़्यादा है क्या ये, हाँ यहाँ पे, तो सेकेंड रैंकिंग, ठीक है, उससे कम आपका जो है यहाँ पे ये रहा 20 पॉइंट इस तरीके से, तो यहाँ पे थर्ड रैंकिंग, इसके बाद फोर्थ आपका जो है यहाँ पे, फिफ्थ रैंकिंग, इस तरीके से रैंकिंग दीजिए, ठीक है, परसेंटेज के ऊपर से आपको रैंकिंग देना है। तो थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थ्री, रैंकिंग देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है रैंकिंग देना है बस, स्टेप नंबर थ्री, रैंकिंग बेस्ड ऑन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के ऊपर से, ये जो परसेंटेज निकाला इसके ऊपर से आपको रैंकिंग देना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसकी सबसे ज़्यादा रैंकिंग, रैंक वन, ठीक है, इसके बाद उससे कम होगा तो रैंक टू, उससे कम रैंक थ्री, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया है, रैंक हमने दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने एज्यूम किया है कि 50,000 या फिर उससे ज़्यादा जिसकी कॉस्ट वैल्यू होगी वो कैटेगरी ए में जाएगा,
इसके बाद 50,000 से 13,000, 13,000 से 50,000 बी में, और 13,000 से कम है तो वो सी में जाएगा। ठीक है, बस हमें वही काम करना है। देखिए, कैटेगरी ए बी सी में डाल देना है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 50,000 से ज़्यादा किस किस की वैल्यू है। तो 50,000 से ज़्यादा वैल्यू का मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50,000 से ज़्यादा, ये 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, एक मिनट ज़रा। चलिए, ये 50,000 से ज़्यादा 81,900 है, तो इसे मार्क कर लिया। इसके बाद 50,000 से ज़्यादा कोई चीज़, ये रहा 72,000। सबसे पहले वो मार्क कर लीजिए, मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ जो जो 50,000 से ज़्यादा है। इसके बाद कोई 50,000 से, यहाँ पे ये रहा। तीन चीज़ें ऐसी है टोटल कॉस्ट जिसको 50,000 से ज़्यादा है, तो वो ऑरेंज जो है, ऑरेंज जो है वो हमने ए में डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ सारी यहाँ पे, ये आपका जो है रैंक वाइज कर दीजिए। ये ए रैंक जो है रैंक वन, 81,000, तो रैंक वन जो है ये आपका रहा। रैंक वन कौन सी आइटम है सर? 5 नंबर की आइटम है, आइटम नंबर 5, क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो आइटम नंबर 5। परसेंटेज उसका क्या है सर? परसेंटेज उसका है आपका यहाँ पे यूनिट का परसेंटेज है, यूनिट का परसेंटेज ना लिखे चलेगा, टोटल का परसेंटेज लिख देना। टोटल आप यहाँ पे 81,900 है, और उसका परसेंटेज जो है वो, उसका परसेंटेज जो है वो 23 पॉइंट ये है। ठीक है, फिर सेकंड डाल दो 72,000 ये वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल दी, तीनों चीज़ें। अब नेक्स्ट कैटेगरी बी में क्या जाएगा? कैटेगरी बी में जो है, कैटेगरी बी में जो है क्या चीज़ें होगी, उसे ब्लू से मार्क कर लेते हैं। चलिए, कैटेगरी बी में क्या कहा मैंने? 13 से लेके 50 तक। तो 13 से लेके 50 तक, तो 13 से ज़्यादा लेकिन 50 तक, तो ये 13 से ज़्यादा है 20,000। इसके बाद ये 13 से ज़्यादा है? नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है 18,000। इसके बाद ये नहीं, ये हाँ 13 से ज़्यादा है, इसे मार्क कर लेता हूँ। ये भी 13 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्लू जो लाइन है वो कैटेगरी बी में, देख लीजिए कैटेगरी बी में जितने चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी बी में। ओके, इसके बाद थर्ड 13 से कम है, बाकी का सी में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सी में जाएगी। ठीक है, ये 4, ये ख़त्म। ओके, तो सी में लिख दिया, बस काम ख़त्म। ये एबीसी एनालिसिस काम ख़त्म हो गया जी, काम ख़त्म। ये परसेंटेज का टोटल लगाएंगे, 100 ये आएगा हमेशा, तो ये परसेंटेज का टोटल है 100%। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे लिख देना है कि कैटेगरी ए का ये टोटल है, कैटेगरी बी का ये टोटल है, और कैटेगरी सी का ये टोटल है, बस। एबीसी एनालिसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ठीके? आते नहीं है इतने, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, कुछ भी करना नहीं है। सिंपली टोटल, सबसे पहले क्या स्टेप है मैंने कहा, टोटल कॉस्ट निकालिए। कैसे निकलता है? यूनिट लिख दीजिए, यूनिट लिख दीजिए और यूनिट कॉस्ट लिख दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट निकाल ली, सेकेंड स्टेप क्या है सर? उसका परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे निकलता है? उसकी टोटल और जो भी आप जिसके लिए भी निकाल रहे उसके डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा ये परसेंटेज। फिर क्या करना है सर? फिर रैंकिंग करनी है परसेंटेज के ऊपर से। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से काम खत्म। फिर आपको जो एज्यूम कर लेना है, बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि कितनी चीज़ें ए में आएगी, कितनी चीज़ें बी में आएगी, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, नहीं गिवन है तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, सारा का सारा राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, बस एज्यूम इस तरीके से करना कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो ए में रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ें ए में जानी चाहिए, फिर मीडियम, फिर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने 50,000 की जगह 60,000 माना होता, 60,000 या फिर उससे ज़्यादा ए में, तो कोई गलत नहीं होता, क्योंकि हमें एज्यूम करना है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन में देगा या फिर आप खुद एज्यूम कर सकते हैं। ओके, चलिए इलुस्ट्रेशन नंबर 10 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 10 भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। यहाँ पे थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या थियोरी है मैं बताता हूँ। चलिए, कहता है इलुस्ट्रेशन नंबर 10, फैक्ट्री जो है वो 4,000 वेराइटीज़ जो है ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पे उनके पास है, फैक्ट्री के पास। और कहा है कि होल्डिंग इन्वेंट्री, होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ नीचे गिवन है। कहता है कि नंबर ऑफ जो वेराइटी है वो यहाँ पे कहा गया कि टोटल 4,000 की किस तरीके से वेराइटी प्रोवाइडेड है। तो ये कह रहा है कि 3,875 ऐसी है
जिसकी परसेंटेज गोडाउन में जितना पड़ा हुआ है वो इतनी वेराइटी पड़ी हुई है, ये सेम वेराइटी है, जिसकी वैल्यू जो है परसेंटेज वैल्यू जो है उसकी 20% है, मतलब कि बहुत ही कम वैल्यू के गुड्स है ये, ठीक है। अब जनरली आप ध्यान से देखना, इंडिया में या फिर जनरली आप कहीं पे भी देखो, स्टोर में जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी पड़ी होती है, जो वैल्यू जो है जिसकी कम है, ठीक है, लेस वैल्यू की चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, और जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें होती है वो बहुत कम चीज़ें होती है, ठीक है। आप कोई भी गोडाउन में देख लो, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मूर्ति, जो आपकी मूर्ति होती है बेचने की दुकान, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा वेरी प्रीशियस जो होती है मूर्ति, वो 2 या 3 या 4 या 5 बहुत ही कम स्टॉक पड़ा हुआ होता है, लेकिन जो जनरली बहुत ही कम वैल्यू की स्टॉक होता है वो दुकान में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ होता है, क्योंकि कस्टमर जो है लेस वैल्यू के जो गुड्स है वो ज़्यादा परचेस करने वाले होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू के तो बहुत ही कम कस्टमर हो गए, इसलिए देखी गया यहाँ पे इसी तरीके की बात करी गई कि 3875 स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, किस चीज़ का, सबसे कम वैल्यू का स्टॉक है, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 20% इसकी होल्डिंग वैल्यू है, और इन्वेंट्री यूसेज जो है वो 5% है, ठीक है। और इस तरीके से 110 वेराइटी वाले स्टॉक जो है वो 30% वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसकी वैल्यू की बात करें, परसेंटेज कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो टोटल परसेंटेज 100% में से 2.750 ये रोके हुए हैं, ठीक है, जिसका यूसेज है 10%। इसके बाद 15 ऐसी वेराइटी है जो बहुत ही प्रीसियस है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 50% है, टोटल स्टॉक में 50% का जो वैल्यू का स्टॉक है वो यही है, लेकिन 15 ही है हमारे पास, यूनिट 15 है, इसकी वैल्यू 50% है, ठीक है। होता है ना कहीं हमारे पास मान लीजिए कोई डायमंड वगैरह की दुकान है, ठीक है, तो गोल्ड पड़ा हुआ है, डायमंड पड़ा हुआ है, तो डायमंड का प्राइस मान लीजिए 1 करोड़ है, गोल्ड आपके पास जो है वो 50 लाख का पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू का क्या चीज़ है, डायमंड। तो यहाँ पे भी वही बात करी गई कि 15 ही स्टॉक है, 15 ही यूनिट पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो टोटल गोडाउन में 50% रोके हुए है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। स्टॉक कम है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है सर। इसके बाद इसने कहा कि क्लैरिफाई कीजिए कि ABC एनालिसिस के हिसाब से कि इन्वेंट्री को कौन से आप जो है कैटेगरी में डालेंगे, तो ABC एनालिसिस में मैंने बताया कि 3 ही कैटेगरी होती, ABC, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले ए में जाएंगे, वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा, तो हायर, ठीक है, हाई वैल्यू जो है वो ए में जाएगी, मिड वैल्यू, मीडियम वैल्यू है, मीडियम यूसेज है, वो बी में जाएंगे, और सबसे लेस वैल्यू के जो है वो सी में जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे वही आपको सिंपली एक थियोरिकल लिख के आना है, बस काम खत्म। देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है सर, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाले जो यहाँ पे गुड्स है, सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, ABC एनालिसिस में सबसे पहले आप एक ही काम करना, वैल्यू देख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है सर, ये 3 ही हमारे पास इन्वेंट्री है, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये 15 यूनिट की है, 50% वैल्यू रोके हुए, तो ये कहाँ पे जाएगा सर, कैटेगरी ए में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बारे में ही लिखना है कि 50 नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऐसी है जिसे हम कैटेगरी ए में डालेंगे एज पर ABC एनालिसिस, ठीक है। फिर 3 पॉइंट आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, 3 पॉइंट किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना है। सबसे पहला तो लिख लीजिए कि उसका परसेंटेज जो है वो 0.375% है, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए कि उसका यूसेज जो है वो 85% है, ठीक है, हाईएस्ट कंजप्शन जो है वो 85% है, और 50% उसकी होल्डिंग है, ठीक है, काम खत्म। फिर बी कैटेगरी में कौन सा डालेंगे, बी कैटेगरी में 3ों में से जो मीडियम वैल्यू वाला होगा वो बी कैटेगरी में आएगा, तो सबसे ज़्यादा तो ये है, सबसे कम ये है, तो मीडियम कैटेगरी कौन सी हुई सर, 30, ठीक है, तो बी कैटेगरी में 110 नंबर जो है वो उसका जाएगा, ठीक है। फिर से वही जो क्वेश्चन में गिवन है वो 3 पॉइंट यहाँ पे लिख देना, काम खत्म। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो गिवन है वो एज इट इज़ आप रीड करेंगे, नहीं, अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन एक बार तो करना चाहिए, क्योंकि ICA मॉड्यूल में है तो हर एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 11, यहाँ पे आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो पॉइंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला याद रखना है, काम खत्म। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय आपको एवरेज स्टॉक लेना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको पता है, ठीक है, 12th से पढ़ के आ रहे हैं कि कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैसे निकलता है सर? ओपनिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आप ये करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है क्वेश्चन में, परचेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 90,000 माइनस सॉरी प्लस परचेजेस, प्लस परचेज कितना है सर? 2,70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 1,10,000, बताइए कितना आया। तो 90,000 प्लस 2,70,000 प्लस सॉरी माइनस 1,10,000, तो आपका ये आ गया 2,50,000। देख लीजिए 2,50,000 दिख रहा है यहाँ पे, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, क्लियर है। इसके बाद आपको नीचे क्या लेना है? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, ओपनिंग स्टॉक 90,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 डिवाइड बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाई टू, तो ये आपका 1 लाख आएगा। काम खत्म, काम खत्म। आपका जो है आपका आ गया इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो 2.5, ठीक है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो 2.5 कंप्लीट, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ डेज आपको बताना है यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हिसाब से। देखिए यहाँ पे आपको जो है डेज वाइज पूछ सकता है, मंथली पूछ सकता है, तो जो भी पूछे ना आपको क्या करना है, जो भी पूछे डेज में पूछा है तो डेज डिवाइड बाय आपको करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। मंथली पूछा तो मंथ डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वो करना है, बस काम खत्म। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.5 निकाला है, आपको डेज में पूछा है तो कुछ भी यहाँ पे कहा नहीं है कि डेज मतलब कि ईयर में कितने डेज है, तो हम मैज्यूम कर लेंगे 365 डेज है, तो 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो 2.5, काम खत्म। जो भी आंसर आया लिख देना 146 डेज, ठीक है, काम खत्म। मान लीजिए डेज के बदले मंथली पूछा होता तो मंथली होता तो 12 मंथ होते हैं पूरे साल में, 12 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आता मंथ लिख देते, खत्म, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक ही यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला, एक ही इलोस्ट्रेशन कर लेना, बहुत ही सिंपल से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पूछा है, अच्छा दूसरा भी है इलोस्ट्रेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे ही बेस्ड, ठीक है, इलोस्ट्रेशन नंबर 12, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। कहा गया कि दो मटेरियल है, मटेरियल ए और बी, ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पूछा गया है आपको कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको पूछा गया है ऑफ द टू आइटम। दो इस बार मटेरियल है, ऊपर के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल का पूछा था, यहाँ पे दो मटेरियल पूछा गया, ठीक है। अच्छा, और फिर आपको कहा गया कि पुट कमेंट ऑन देम, मतलब कि दो मटेरियल में से कौन सा अच्छा मटेरियल है उसको आपको जो है कमेंट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों मटेरियल का आप जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका जो है ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखिए क्या है सर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि आपका जो कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय क्या करेंगे सर, एवरेज स्टॉक, ठीक है, यही फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री जो है आपकी 7 टाइम यहाँ पे आएगी, ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए 7 टाइम, और यहाँ पे 2.5 टाइम, ठीक है।
अब यहाँ पे पूछा है कि कमेंट करना है आपको कि कौन सा जो है यहाँ पे मटेरियल बेहतर है। तो देखिए, बेहतर मटेरियल वो होगा जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा वो बेहतर होगा। यहाँ पे बताइए, ए का कितना है 7 टाइम और बी का कितना है 2.5 टाइम। तो यहाँ पे कमेंट लिखेंगे कि मटेरियल ए जो है वो ज़्यादा फास्ट मूविंग है मटेरियल बी से। देखिए इसका मतलब क्या होता है ये समझाऊँ मैं। 7 टाइम का मतलब है कि पूरे साल में मटेरियल ए 7 बार बिक जाता है और 7 बार हम उसे ऑर्डर देते हैं, ठीक है। मटेरियल ए दुकान में इतनी डिमांड है, मतलब कि 7 बार सप्लायर को हम ऑर्डर देते हैं, 7 बार हम इसे परचेज करते हैं, जबकि मटेरियल बी जो है वो 2.5 टाइम ही ऑर्डर होता है, ठीक है। बस इतना समझिए, ये आपके लिए इजीनेस होगा, ठीक है, जो मैंने कहा। इसलिए आपको जो है मटेरियल ए ऑर्डर, मतलब कि मटेरियल ए जो है फास्ट मूविंग है, सबसे ज़्यादा बिक जाता है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है इसका, ठीक है। तो मटेरियल ए इज़ मूविंग फास्ट देन बी, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से करना है सर। यहाँ पे इन लोगों ने जो है डेज में कैलकुलेट करके दिया है, इसका कोई रेलिवेंस है? हाँ, कर लेना, ठीक है, एक बार के लिए कर लेना, बाकी कोई रेलिवेंस नहीं है इसका। जो है आप डायरेक्टली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हिसाब से आप जो है अपना कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है डेज भी कैलकुलेट करके दिए। कि डेज की कैलकुलेशन किस तरीके से है, देखिए डेज यहाँ पे कैलकुलेट करके दिए। इसका क्या मतलब हुआ डेज का? तो डेज का मतलब हुआ कि मटेरियल ए जो है वो हर 52 डेज में, पूरे साल में 365 डेज होते हैं, हर 52 डेज पे जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि बिक जाता है, ठीक है। हर 52 डेज पे हमें न्यू ऑर्डर दे देना होता है, ठीक है, मटेरियल का हमारे सप्लायर को, क्योंकि हर 52 डेज पे मटेरियल ए बिक जाता है, इतनी डिमांड है। जबकि मटेरियल बी हर 146 डेज पे बिकता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही स्टॉक रहता है ये दुकान में, ठीक है। 146 डेज लग जाते हैं इसे बिकने में, जबकि मटेरियल 52 डेज में बिक जाता है। काम ख़त्म, दूसरा ऑर्डर, काम ख़त्म, दूसरा ऑर्डर, ठीक है। तो फास्ट मूविंग कौन सा है? मटेरियल ए, ओके, जिसके डेज सबसे कम हो गए वो फास्ट मूविंग। अच्छा, ये इलुस्ट्रेशन जो अभी पढ़ा है लास्ट, ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 वो एग्ज़ाम में आ सकता है। इलुस्ट्रेशन नंबर सॉरी 12 12 जो करवाया ऊपर वो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। हाँ, अब आइए यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 13 पे। इलुस्ट्रेशन नंबर 13 कहता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, परचेज गिवन है, प्राइस उसकी गिवन है और इशू जो है हमने करा है वो आपको गिवन है। कहता है कि हमारे जो चीफ अकाउंटेंट है कंपनी के, ठीक है, कंपनी के यहाँ पे चीफ अकाउंटेंट है, उनका कहना है कि वैल्यू ऑफ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिमेन सेम नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इशू इज यूज्ड। डू यू एग्री व्हाई और व्हाई नॉट एक्सप्लेन डिटेल स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कहा गया है कि एक कंपनी है जिनकी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमने कितना कितना परचेज करा है और कितना कितना सेल करा है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अप्रैल महीने में हमने 200 का परचेज़ करा है, सेल कुछ नहीं किया। इसके बाद मई में जो है 300 और परचेज़ किए यूनिट और 250 बेच दिए। इसके बाद जून में 425 बेच दिए और 425 परचेज़ करे, 300 हमने बेचे हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। हमारे चीफ अकाउंटेंट जो है कंपनी के, वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी मेथड यूज़ कर लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कितनी कितनी मेथड है सर? मेनली तो 3 मेथड है, हम पढ़ के आ रहे हैं फाउंडेशन में, ठीक है, फीफो, वेटेड, लिफो, ठीक है। बेसिकली फीफो मेथड जो है रेलिवेंट नहीं रखती है, लेकिन मेथड तो 3 है ही, ठीक है। तो ये 3 मेथड है। चीफ अकाउंटेंट का कहना है कि कोई भी मेथड ले लो, आंसर सेम आएगा। अब कंपनी को लग रहा है कि चीफ अकाउंटेंट जो है वो झूठ बोल रहे हैं, तो आपके पास आए हैं, आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये चीफ अकाउंटेंट जो कह रहे हैं वो सही है क्या? आप डू यू एग्री विथ चीफ अकाउंटेंट? क्या आप उसके साथ एग्री है? अगर है तो वाई, रीज़न दीजिए। लेकिन हाँ, इसने कहा कि डिटेल स्टॉल लेजर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल रास्ता है, देखिए सिंपली आप समझिए कि कितना स्टॉक परचेस किया, ज़रा टोटल मुझे बताइए कितना स्टॉक आपने परचेस करा सर? 200 प्लस 300 प्लस 425
475 प्लस 500 प्लस 600 टोटल आपने परचेज करा है 2500 स्टॉक परचेज करा है, 2500 का टोटल स्टॉक आपने परचेज करा है, ठीक है, यही है ना सर? हाँ, अब मुझे बताइए कि बेचा कितना स्टॉक, टोटल आपने बेचा कितना स्टॉक? तो आपने टोटल बेचा है 250 प्लस 300 प्लस 550 प्लस 800 प्लस 400, तो यहाँ पे आपने बेचा कितना? 2300, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ज़रा निकालना, इन दोनों का डिफरेंस ज़रा निकालना, कितना आ रहा है सर? 2500 माइनस 2300 यह आ रहा है 200, ठीक है। देखिए तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, 200 का डिफरेंस है, 200 यूनिट्स का, ठीक है, मतलब कि गोडाउन में 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं। और उसकी इसी की बात हो रही है कि चीफ अकाउंटेंट कह रहा है कि कोई भी मेथड ले लो, ये 200 का जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, कोई भी अमाउंट, कोई भी मेथड ले लो, ठीक है, लीफो से कैलकुलेट करो, फीफो से कैलकुलेट करो, ठीक है, ये जो आपका इन्वेंट्री है इसका वैल्यूएशन हमेशा सेम आएगा तीनों मेथड में, ठीक है। तो क्या आप एग्री करते हैं? तो मैं तो एग्री करता हूँ, क्यों? क्योंकि देखिएगा, परचेस किया है, सेल किया है, परचेस किया है, सेल किया है, ये तो आप देख रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू एग्री, तो आपको पूछा जाए और आपको कहा जाए कि कोई डिटेल लेजर की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले लास्ट, सबसे पहले तो स्टेप वन कर लेना टोटल, ठीक है। जब भी आपको जो है आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, स्टेप वन टोटल लगा लेना, ठीक है, टोटल लगा लेना परचेज का और इशू का, ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू आप जो है चले जाना लास्ट मंथ में, ठीक है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें लास्ट मंथ में चले जाना। लास्ट मंथ कौन सा है सर? यहाँ पे सितंबर है, चले जाओ उसमें। आगे देखो परचेज कितना हुआ है सर? 600 यूनिट हुआ है। और सेल कितना हुआ है सर? 400। दोनों का डिफरेंस निकालना ज़रा, दोनों का डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पे 200 आ रहा है। ये 200 का मतलब क्या है? ये डिफरेंस का जो 200 आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 600 जो है यहाँ पे स्टॉक परचेस किया हुआ है और सेल हमने 400 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, 200 स्टॉक पड़ा हुआ है। अब सिंपली यहाँ पे थर्ड स्टेप देखना, लास्ट मंथ को छोड़कर, ठीक है, लास्ट मंथ को छोड़कर जो है ऊपर के जितने भी मंथ का है उनका परचेज और इशू का टोटल लगा लेना, इग्नोरिंग लास्ट मंथ, आपको टोटल लगा लेना है, टोटल ऑफ, इग्नोरिंग लास्ट मंथ, टोटल ऑफ रिमेनिंग मंथ, रिमेनिंग मंथ का टोटल लगा लेना है, टोटल लगाओ जरा, रिमेनिंग मंथ मतलब कि यहाँ तक। तो 200 प्लस 300 प्लस 425 प्लस 475 प्लस 500 यह आपका आ रहा है 1900, ठीक है, इसका टोटल 1900 आ रहा है। एक बार इशू का टोटल लगाइए वहाँ तक का, यहाँ तक का 250 प्लस 300 प्लस 550 प्लस 800 कितना आ रहा है सर? 1900 आ रहा है सर। हाँ, सिंपली अब ध्यान से सुनना, काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, थ्री स्टेप में काम खत्म। देखो आपने जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है सर, हाँ जी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के 1900 स्टॉक परचेस करा है अगस्त तक, और अगस्त तक वही 1900 बिक भी गया है, देख ला, दिखा आपको 1900, ये आपने जितना परचेस करा था वो तो बिक गया, बचा क्या? सितंबर में जो परचेस करा था वो आपका बचा हुआ है कितना? 200 यूनिट, 400 बेचे हैं, 200 पड़ा हुआ है, कितनी वैल्यू के सर? 20। अब एक ही वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो चाहे कोई भी मेथड ले लो, वेटेड ले लो, लीफो में ले लो, फीफो ले लो, कोई भी ले लो, भाई एक ही वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है तो हमेशा उसकी वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। जब देखिए कब डिफरेंट आएगी, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के स्टॉक पड़े हुए हो स्टॉक में, तभी आपकी जो है तीनों मेथड से अमाउंट अलग आएगा। लेकिन जब आपके पास एक ही प्राइस का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो चाहे कोई भी मेथड ले लो, प्राइस हमेशा एक आएगी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमेशा एक आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि चीफ अकाउंटेंट जो कह रहा है मैं उससे सहमत हूँ,
ठीक है, क्योंकि चीफ अकाउंटेंट ने इसी तरीके से कैलकुलेशन करके देख लिया कि हाँ जी कोई भी मेथड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके पास 200 का स्टॉक पड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू का है, वो है 20 रुपीज़ का। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का होता, 20, 25 इस तरीके का अलग अलग होता तो डिफरेंट आंसर आता, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, चाहे कोई भी मेथड ले लो वो 20 रुपीज़ ही रहेगा। ठीक है, सो 3 स्टेप में आपका काम खत्म हो चुका। और नेक्स्ट आपको पूछा है कि स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड द लिफो मेथड ऑफ प्राइजिंग मटेरियल इशू, कि यहाँ पे आपको कहा गया कि लिफो मेथड को ही प्रेफरेंस आप क्यों देंगे। देखिए ये भी आपको बता दूँ कि फीफो मेथड का कोई रेलिवेंस नहीं है, फीफो मेथड एकदम बेकार मेथड है। यहाँ पे रेलिवेंस दिया गया है वेटेड एवरेज और लिफो मेथड को। ठीक है, दो मेथड बहुत ही अच्छी है इस तरीके से कहा गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए लिफो मेथड आप रिकमेंड कर रहे, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आप अगर लिफो मेथड रिकमेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बताइए ज़रा। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे लिखना है कि लिफो मेथड में सबसे पहले यहाँ पे होता है, तो मेन चीज़ तो ये है कि लिफो मेथड में क्या होता है कि जो भी लास्ट में आपने जो मटेरियल परचेस करा है वो सबसे पहले बिका जाता है। सो आप जो है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही उस मटेरियल को बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है कि आपका जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए मोबाइल से आपके पास, तो सबसे पहला आपने कोई मोबाइल आपने बेचने के लिए लिया, फिर उसके बाद स्टॉक आया, तो न्यू जो स्टॉक है, न्यू लेटेस्ट पीस लेटेस्ट सिस्टम के साथ वो आप पहले बेचेंगे, क्योंकि लिफो मेथड में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहले बेचा जाए। ठीक है, तो लेटेस्ट मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट पे उसके हिसाब से आप मटेरियल बेच पा रहे, तो लिफो मेथड बहुत ही बेहतर है फीफो मेथड से, क्योंकि फीफो में जो है पहला मटेरियल जो पहला आया होता है वो पहले बेचा जाता है और फिर लास्ट है वो पड़ा रहता है। तो आप एक तरीके से फीफो मेथड में जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से नहीं चल सकते। ठीक है, जबकि लिफो मेथड में आप जैसा ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके से स्टॉक बेच रहे हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फिर प्राइस की कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि प्राइस जो मार्केट में चल रहा है हमारे पास उस तरीके से लेटेस्ट प्रोडक्ट भी है जो हम बेच रहे हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो एक बार आप ये रीड कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे, 2-3 पॉइंट सफिशेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 कह रहा है कि कैलकुलेट फीफो लिफो मेथड से आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको करनी है। परचेस दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है और इशू दे रखा है। आपको वैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है कि फीफो मेथड से और लिफो मेथड से, बस काम खत्म। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफो एंड लिफो मेथड से कैलकुलेट करके दीजिए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, सबसे पहला काम करना है आपको कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा जाता है, चाहे कोई भी मेथड हो सबसे पहले स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक से होती है। तो यहाँ पे 5 रुपये के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक है, कितना यूनिट है सर, 100 यूनिट है, 5 रुपये के हिसाब से 100, 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद डेट वाइज चलना है, इसके बाद 5 तारीख पहले आ रही है, 5 तारीख को हमने क्या किया है सर, परचेज करा है, 300 यूनिट परचेस करें 6 रुपये के हिसाब से, तो 300 यूनिट परचेस करें 6 रुपये के हिसाब से 1800। ठीक है, इसके बाद 5 के बाद कौन सी डेट आ रही है सर, 6 डेट नंबर 6। ठीक है, 250 यूनिट बेचे हैं। अब देखिए फीफो मेथड में जो पहले आया होता है, जो पहले होता है वो हम पहले बेचते, तो आपने अगर 250 यूनिट बेचे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या था सर, 250 यूनिट बेचे हैं, तो 250 में यूनिट में जो सबसे पहले स्टॉक पड़ा हुआ था वो बेचेंगे, उसके बाद ही दूसरा स्टॉक बेचेंगे। तो सबसे पहले क्या पड़ा हुआ है सर, इतनी चीज़ें आपकी स्टॉक पड़ी हुई है। ठीक है, इतनी दो चीज़ें, तो 100 यूनिट सबसे पहले बेचेंगे आप, फीफो मेथड है इसलिए 100 यूनिट पहले 5 रुपये वाले बेच देंगे, और फिर और कितना बेचना है सर, 250 बेचना है, 100 बेच चुके तो अभी 150 जो बेचोगे वो सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट 6 रुपीज़ के हिसाब से बेचेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 100 5 रुपये के हिसाब से पहले बेचेंगे, फिर 156 रुपये के हिसाब से। क्लियर है, ओके सर। फिर आप जो है डेट कौन सी आ रही है, 6 के बाद 8 आ रही है, 8 को हमने क्या किया सर, परचेस करा है 500 यूनिट 7 रुपीज़ के हिसाब से, तो परचेस करा है 500 यूनिट्स 7 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्लियर है। इसके बाद 8 के बाद कौन सी डेट आ रही है सर, 10 डेट आ रही है, 400 यूनिट बेचा है, 400 यूनिट बेचने के लिए हमारे पास कितनी कितनी चीज़ें पची बड़ी हुई है, तो देखिए
100 तो बिक चुका, ठीक है, ये 300 में अभी 150 बेचा है तो 150 बेच दिया, तो 300 माइनस 150 बेचा है तो अभी भी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है सर? इसमें अभी भी 150 का स्टॉक पड़ा हुआ है। न्यू परचेज हमने करा है अभी अभी 500 का, ठीक है, 500 का न्यू स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इतना स्टॉक मटेरियल गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हम बेचेंगे, कितना बेचना है सर? 400। तो 400 में सबसे पहले 150 ये दे दो, कितने रुपीज़ वाले हैं? 6 रुपीज़ वाले, ठीक है, 6 रुपीज़ वाले हैं, ये दे दो। इसके बाद बाकी कितने बचे? तो 400 माइनस 150, तो अब बचे हैं 250, ठीक है, तो 250 इसमें से देना, 500 7 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इशू किया 150 6 रुपये वाले पहले दे दो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर 250 इसमें से देना 7 रुपीज़ वाले स्टॉक में से, ठीक है, बस यही काम करना है। फिर वापस आपने परचेस करा है तो परचेस करा, फिर सेल करोगे तो सेल में भी इस तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आ रहे, ठीक है। इसके बाद आपको लिफो मेथड से कहा गया है, तो लिफो मेथड से इसके हिसाब से सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, फिर परचेस किया है तो परचेस, फिर इशू किया है, इशू आपको जो है करना है, इशू कितना किया है सर? सबसे पहले इशू 250 यूनिट करा है, 250 में लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे 250 यूनिट बेचोगे, लेकिन जो लास्ट में आया, लास्ट में कौन सा यूनिट परचेस करा है सर? लास्ट में आपने परचेस करा है ये वाला यूनिट 300, ठीक है। तो ये 300 यूनिट में से आप सबसे पहले बेचोगे 250, तो 6 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए 6 रुपीज़ के हिसाब से आपने बेच दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। फिर वापस परचेस करोगे, सेल करोगे, इस तरीके से ही करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ओके। फिर आपको सिंपली बैलेंस निकाल लेना है कि स्टॉक पड़ा कितना हुआ, ठीक है, उसकी वैल्यू, काम ख़त्म, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? एक्सप्लेन व्हाई द फिगर ए एंड बी में जो है, यहाँ पे लिफो एंड फीफो मेथड में कहता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है? टू मेथड आपने जो है कैलकुलेट करी तो दोनों में डिफरेंस आएगा। देखिए यहाँ पे आप सिंपली देखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ पे स्टॉक जो है आप देखें तो लिफो मेथड के हिसाब से स्टॉक है 350 यूनिट्स का, जो कि यहाँ पे भी है, लेकिन इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पे ये फीफो मेथड कह रहा है कि 2800 की वैल्यू है इसकी, और ये कह रहा है कि 2300 की वैल्यू। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस क्यों आ रहा है, बी क्वेश्चन ये पूछा। तो देखिए डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे लिफो और फीफो की बात करूँ तो लिफो जो है क्या कर रहा है, 250 यूनिट आपने बेचे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 250 कितने कितने यूनिट बेचे, 250 400 और 500। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बेचा वो यहाँ पे लिख दिया यूनिट 250 500 और 400, ये यूनिट आपने बेचे। डिफरेंस आंसर क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि आपने ये बेचे हैं फीफो मेथड और लिफो मेथड के हिसाब से अलग अलग प्राइस पे। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिफो और फीफो मेथड में जो आपने बेचे हैं यूनिट वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेचे, जबकि देखिए यहाँ पे आपने इशू कब किया, ये रहा, यहाँ पे इशू किया कितना, 100 यूनिट्स 5 रुपये के हिसाब से बेचा, और 150 6 रुपीज़ के हिसाब से, जबकि लिफो में बात करें वही चीज़ 250 यूनिट, यहाँ पे भी 250 यूनिट है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आपने बेचा, यहाँ पे 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया, ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा क्योंकि ये आपने 1400 में टोटल बेचा, ये 1500 में बेचा, ठीक है। फिर दूसरी बार जब आपने सेल किया, यहाँ पे आपने जो है 150 6 रुपये के हिसाब से, 250 7 रुपये के हिसाब से, जबकि यहाँ पे देखो तो 400 डायरेक्ट यूनिट आपने 7 रुपीज़ के हिसाब से 2800 में बेच दिया, जबकि यहाँ पे 2650 में बेचा, डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे, सबसे पहले उसने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे भी वैल्यू लिख दी, और दोनों का डिफरेंस आप जो है देखेंगे यही आएगा, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 7800 और यहाँ पे 8300, क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ आप एक्सप्लेन कर देंगे अपने तरीके से कि भैया सबसे पहले हमने ये बेचा था फीफो में, इतने में बेचा, लिफो में इतने में बेचा, फिर ये इस डेट को बेचा, इतने में बेचा, इतने में बेचा, बस वही लिखना है, काम ख़त्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाइए आप इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाइए, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है आई थिंक, हाँ जी लास्ट इलस्ट्रेशन है, और इलस्ट्रेशन नंबर 15 को चेंज करा गया है, पहले
अलग क्वेश्चन था, इस बार न्यू एडिट है और न्यू एडिट क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। कहता है कि यहाँ पे कोई कंपनी लिमिटेड है जिसकी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। कहता है कि स्टार्टअप कंपनी है, 2019 इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ यहाँ पे, और कहा गया है कि वन ऑफ इट्स एम्बेड प्रोडक्ट इज लॉग मैक्स। कोई प्रोडक्ट है उनकी जो यहाँ पे नाम दे रखा है, और यहाँ पे आपको कहा है कि इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक कब है, क्लोजिंग स्टॉक कब है, ठीक है। कंपनी एंटर इनटू अ जॉब एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग 4800 लॉग मैक्स टू नील, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने कहा कि यहाँ पे फॉलोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सितंबर 1 को जो है यहाँ पे इनका कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, ये हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सितंबर 1 को ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 6000 का। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कहा है कि ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद सितंबर 8 को जो है इशू करा गया है, इशू मतलब कि बेचा गया है, ठीक है, सेल करा गया है 4875 के हिसाब से। इसके बाद रिसीव, रिसीव मतलब कि परचेज करा होगा 17500 यूनिट्स, वापस इशू, फिर रिटर्न करा है, रिटर्न टू स्टोर, ठीक है, रिटर्न टू स्टोर आपने कराए कितने यूनिट्स, 2500, जो आपने बाय टेक्निकल डिवीजन अगेंस्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट आपको कहा गया कि 1220 को जो है यहाँ पे आपका नंबर है वो हमने रिटर्न करा है। 1220 नंबर किसका है सर, ये वाला, ये जो इशू किया था ना, ये रिटर्न आया है, इसमें से कुछ यूनिट रिटर्न आए, इतने यूनिट, ठीक है, रिटर्न आए हैं, ये आपका टैक नंबर है, ठीक है। तो टैक नंबर आपको गिवन है, आपको कहा गया वो रिटर्न आया। इसके बाद रिसीव हुआ है, रिटर्न हुआ है, रिसीव हुआ है, इशू हुआ है। 25 सितंबर द स्टॉक मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस हिज नीड टू लीव फॉर हिज होम टाउन ड्यू टू सर्टेन कंटिजेंसी एंड इमीजिएटली लेफ्ट फॉर जॉब सेम डे, लेटर ही ऑल्सो स्विच हिज फोन ऑफ। अच्छा, हमारा जो स्टॉक मैनेजर है उसको कुछ इमरजेंसी आ गई तो अर्जेंट में चला गया जॉब से, ठीक है, और ऊपर से वो कह रहा है कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, तो हम फ़ोन भी नहीं कर सकते कि भैया क्या करेंगे, ठीक है, तो ये कहानी सुना रहा है। इसके बाद एज द कंपनी हैज़ टेंडेंसी ऑफ द स्टॉक टॉकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट, यहाँ पे कहा गया कि लॉस ड्यू टू यहाँ पे जो कंपनी वो चला गया, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कंपनी यहाँ पे बीच में लटक गई, ठीक है ना, वो तो चला गया स्टॉक मैनेजर, अब ये इन्फॉर्मेशन दे के वो चला गया स्टॉक, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक स्टॉक मैनेजर को रखा गया, न्यू स्टॉक मैनेजर यहाँ पे कहा गया। तो न्यू स्टॉक मैनेजर ने क्या करा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया कि आपके पास टोटल 900 यूनिट्स यहाँ पे ऐसे फाउंड करे गए, ढूंढे गए हैं 900 यूनिट्स जो कि ऑफ दी माइक्रो कंट्रोलर वर मिसिंग विच वॉज अपियरेंटली मिस अपियरेड बाई फॉर्मर स्टॉक मैनेजर, ही फर्दर रिपोर्टेड लॉस ऑफ 300 यूनिट्स। यहाँ पे ये क्या कह रहा है देखिएगा कि न्यू स्टॉक मैनेजर वो तो चला गया, दूसरा जो ओल्ड था वो तो चला गया, न्यू स्टॉक मैनेजर को रखा, वो कह रहा है कि 900 ऐसे यूनिट है जिसमें कुछ गड़बड़ी है, मिसिंग लग रहे, और 300 तो लॉस में गए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है एक स्टॉल लेजर बनाइए जो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके हमें दीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिएगा यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। सबसे पहले क्या से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका है 6000 यूनिट 285 रुपीज़ का। तो देखिए इस तरीके का ही आप जो है फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं कि रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, ठीक है। बैलेंस में वो चीज़ें लिखी जाती है जो अवेलेबल है आपके स्टॉल आपके पास गोडाउन में, ठीक है, गोडाउन में जो आपके पास पड़ी हुई है वो यहाँ पे लिखी जाती है। रिसिप्ट मतलब कि परचेस करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, इशू मतलब कि जो सेल करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं एंट्री कि स्टॉक में इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो है वो 6000 यूनिट है 285 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया, इनटू करेंगे 6000 इनटू 285 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने सेल किया है, तो सेल किया है तो इशू वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, कौन सी डेट को, सितंबर 8 को यहाँ पे सेल किया है आपने लिख दिया। अब देखिएगा सेल किया है, यहाँ पे एक ही तरीके का स्टॉक था, एक ही प्राइस का, तो हमने उतनी ही प्राइस पे सेल कर दी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे आएगी, ठीक है।
यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, 82-85 का स्टॉक था, वो बेच दिया, काम खत्म, वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसने कहा कि कुछ परचेस करा 17,500 का, तो हमने परचेस करा है, ये देख लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए परचेस करा है आपने स्टॉक, ऑलरेडी गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 1,125 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 6,000 का था उसमें से कुछ बेचा, तो अभी हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है, गोडाउन में जो है ये स्टॉक हमें मिक्स कर देना है। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि स्टॉक को मिक्स कर दो, एक प्राइस बना दो, ठीक है, हर एक स्टॉक के लिए एक प्राइस बना दो, ठीक है। तो देखिए 1,125 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो आपका रुपीज़ 285 के हिसाब से था, न्यू परचेस करा हमने 17,500 का, कितने रुपीज़ के हिसाब से, 276 के हिसाब से, ठीक है। बस आपको कुछ करना नहीं होता है, वेटेड एवरेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सिंपली आपको क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट निकाल लेना है, टोटल अमाउंट कितना है, तो सर 1125 है, 285 ईच के हिसाब से, तो 1125 इंटू 285 कितना आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 320,625, ठीक है। और इसका भी बताइए, 17,500 इंटू 276, तो ये आ रहा है 48,30,000, क्लियर है। इसका वेट निकाल लेना है, काम ख़त्म। सर मतलब समझ में नहीं आया, ज़रा निकाल के दीजिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैलकुलेटर में ये दोनों टाइप कीजिए, इन दोनों का आप जो है टोटल लगाइए, टोटल लगाइए कितना आ रहा है, तो 320,625 प्लस 48,30,000, तो ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। इसका टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 51,50,625, टोटल यही आ रहा है। यूनिट का टोटल लगाइए, यूनिट का टोटल लगाइए, तो यूनिट का टोटल आ रहा है 18,625, बस इसका डिवाइड बाय कर दीजिए, तो कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, तो डिवाइड बाय 18,625, तो ये आपका आएगा 276.54, ये आपकी न्यू वैल्यू आ गई जो यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगी न्यू स्टॉक, ये देख लीजिए 18,625 न्यू स्टॉक, न्यू वैल्यू और न्यू पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से ही निकलता है, ठीक है, इस तरीके से ही हमें निकालना है। देखिए अब नेक्स्ट मैं कैलकुलेशन करवाता हूँ, सिंपली वेटेड एवरेज का क्रक्स मैं बताऊँ, तो वेटेड एवरेज का क्रक्स कुछ भी नहीं है, सिंपली इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है आपको टोटल कॉस्ट जितनी भी है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आपको कर देना होता है नंबर ऑफ यूनिट, टोटल यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने वही करा, देखिए टोटल कॉस्ट निकाल ली और टोटल यूनिट निकाल ली, डिवाइड बाय कर दो, जो भी वैल्यू आ गई वो वेटेड एवरेज की प्राइस है, क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये कह रहा है कि 10 सितंबर को हमने इशू किया 12,000 यूनिट, तो देख लीजिए 12,000 यूनिट बेच दिया, अमाउंट निकाल लेंगे कितने में बेचा है आपने, तो यहाँ पे बेचने का अमाउंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वेटेड एवरेज के हिसाब से आपको खुद वैल्यू निकालनी है कितने का बेचा होगा। तो भैया स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है सर, 276 का पड़ा हुआ है, तो वो इतने में ही तो बेचेंगे, ठीक है, जितने का पड़ा हुआ है वो बेचेंगे, काम ख़त्म, ठीक है, काम ख़त्म। तो यहाँ पे वही चीज़ का है, तो आप 18,625 में से 12,000 का बेच दिया, अब गोडाउन में कितना पड़ा होगा सर, 6,625, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसने कहा रिटर्न किया है टू स्टोर, हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया है स्टोर को 2,375, तो यहाँ पे रिटर्न करा है मतलब कि हमने जो बेचा था वो सेल रिटर्न हुआ है, बात समझिएगा, हमने जो ये 12,000 यूनिट बेचे थे कस्टमर ने, कस्टमर ने हमने वापस बेच दिया, ठीक है, वापस भेज दिए, रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न कर दिए मतलब कि सेल रिटर्न है, मतलब कि यहाँ पे हम परचेज में डालेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पे सेल कर दी थी 12,000, उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 का सेल हुआ ही नहीं, इसमें से 2,375 यूनिट्स वापस आ गए,
अब वापस आ गए तो इसे अगर माइनस करना है तो क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कुछ? नहीं सर, ये अकाउंट है, इसमें आप जो है उल्टी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे 12,000 सेल में है ना, तो उससे उल्टी एंट्री में कर दूंगा, रिसिप्ट में कर दूंगा 2375 यूनिट्स। गोडाउन में कितने का स्टॉक बेचा था? सर बेचा था 276 में, तो आएगा भी उतने में ही, ठीक है, जितने में बेचा था उतने में ही वापस रिटर्न आएगा। सर बिल्कुल, तो यहाँ पे उतने में ही हमने वापस ले लिया और गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज हो गया। पहले 625 था, रिटर्न आने की वजह से 9,000 का स्टॉक हो गया, ठीक है, प्राइस वही है। समझ में आया सर? इसके बाद इसने कहा कि रिसीव 15th डेट 15 सितंबर, रिसीव 9,000 यूनिट। तो हमने कुछ और परचेस कर लिए 9,000 यूनिट, कहा है कि 288 रुपीज़ के हिसाब से 288 इंटू करेंगे 25, 930,000, ठीक है, 25,92,000। तो यहाँ पे आपको कहा गया है ये, अब देखिएगा, ये फिर से कैलकुलेशन सिखाता हूँ, फिर से कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन होगी। अब गोडाउन में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है पहले से? सर 9,000 स्टॉक पड़ा हुआ है, 9,000 स्टॉक पड़ा हुआ है 276.8054 के हिसाब से, ठीक है, 54 के हिसाब से, और ये वैल्यू निकल के आती है 24,88,928। इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं गोडाउन में। न्यू परचेस करा 9,000 यूनिट, कितने में परचेस करा सर? 288 में। तो बताओ कितना आएगा इंटू करके 25,92,000, ठीक है। सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज का? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट निकालिए, टोटल यूनिट निकालिए, उसका डिवाइड कर दीजिए, काम करता है, वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ यूनिट, टोटल यूनिट 18,000 आ गए, ठीक है, इसका टोटल लगाइए 25,92,000 प्लस 24,88,928, तो ये आपका आ रहा है 50,80,928, ठीक है। बस इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, नया आपका जो है, और नया आपको जो है रेट मिल जाएगा, ठीक है, नया रेट आपके सामने होगा। तो 50,80,928 डिवाइड बाय 18,000, तो ये आपका नया रेट आ जाएगा 282.27, ठीक है, 27 ये पॉइंट है, ओके। तो ये आपका यहाँ पे देख लीजिए 280, ये नया स्टॉक आपके पास अवेलेबल। अब गोडाउन में ये स्टॉक पड़ा है 18,282.27 के हिसाब से, ये अमाउंट क्लियर है। अब उसने कहा कि हमने इशू किया है, ठीक है, या फिर रिटर्न किया है। अच्छा, रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न किया है। अब देखिए, रिटर्न टू स्टोर मतलब कि हमें रिटर्न मिला है, और रिटर्न टू सप्लायर मतलब कि हमने अपने सप्लायर को वापस दे दिया। वापस देने का मतलब है इशू, ठीक है। सिंपली आप हमारा जो यहाँ पे एक, यह हमारा स्टोर है, ये क्या है? स्टोर, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये एक एंट्री की बात करूँ सेप्टेम्बर 12 को, तो इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि रिटर्न टू स्टोर मतलब कि हमें रिटर्न मिला है, हमें रिटर्न मिला है मतलब कि रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट में लिखा। अब ये कह रहा है कि रिटर्न टू सप्लायर, हमारे सप्लायर को रिटर्न गया, तो हमारे तो यहाँ से स्टॉक गया, स्टॉक गया मतलब कि इशू, इशू कॉलम में लिखेंगे 700, ठीक है। 700 का हमने स्टॉक जो है वापस कर दिया, ये देख सकते हैं आप 700, ठीक है। तो 700 का स्टॉक गया है, तो सिंपली वहाँ पे यही लिखेंगे 700 का स्टॉक गया है, ठीक है। अब स्टॉक गया है तो सिंपली कौन सा स्टॉक गया है हम पूछेंगे। तो इसने कहा कि जो ऑर्डर नंबर 160/2020 था वो गया है, तो हम ऊपर देखेंगे कि हमें सप्लायर के पास से ये रिसिप्ट करे है, ये ऑर्डर नंबर का स्टॉक कहाँ है? तो ये ऑर्डर नंबर का स्टॉक ये है, ठीक है, ये वाला है। तो ये कितने में परचेस करा था? उतने में ही रिटर्न जाएगा, 288 में परचेस करा था, 288 में ही रिटर्न जाएगा, 288, क्लियर है। और आप इंटू करेंगे अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया सर? हाँ, समझ में तो बिल्कुल आया, ओके। अब गोडाउन की बात करें तो गोडाउन में स्टॉक कम हो गया होगा, ठीक है, गोडाउन में स्टॉक कम हो गया होगा। आइए उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि गोडाउन की क्या स्थिति रही। तो गोडाउन में पहले था 18,000 स्टॉक, अब 700 बेच दिया, ठीक है। तो अब बेच दिया है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहले बताइए कितना था? 18,000 का स्टॉक था,
ठीक है, कितने का अमाउंट से? 282.27 के हिसाब से अमाउंट था 50,80,928। अब यहाँ पे कहा गया है कि 700 का स्टॉक जो है वो बेच दिया है, इशू किया है, मतलब कि माइनस हुआ है, इनटू कितने में बेचा है, कितने में मतलब कि रिटर्न किया, 288। इसका अमाउंट आता है 2,01,600। ये माइनस होगा क्योंकि इशू गया है, इशू किया है हमने, ठीक है, स्टॉक गया है, स्टॉक गया है तो माइनस होगा, परचेज किया होता तो प्लस करते। तो 50,80,928 माइनस 2,16,000, अच्छा 2,16,000 नहीं है, 2,01,600। ओके, तो ये आपका अमाउंट आ रहा है 48,79,328। और स्टॉक में आपका जो है यूनिट कितना है टोटल, तो टोटल यूनिट अवेलेबल है 17,300। ठीक है, बस निकाल लीजिए वेट, ठीक है, डिवाइड बाई कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 48,79,328 डिवाइड बाई 17,300, तो ये आपका आ रहा है 282.04, ये आपका न्यू वैल्यू। ठीक है, तो स्टॉक में आपका ये आ गया, क्लियर है, काम ख़त्म। इसके बाद इसी तरीके से हम काम करेंगे, यहाँ पे आपका बेच गया है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, आपको आ गया होगा। ठीक है, ये फाउंडेशन का मैं रिपीट करवा रहा हूँ, बेसिकली ये कोई नया पॉइंट नहीं है, फाउंडेशन से आप पढ़ के आ रहे हैं, फाउंडेशन क्या 11-12 से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में आपका जो है 300 यूनिट बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा बेचा, परचेस किया और 300 यूनिट्स आपका 13th को जो है यहाँ पे देखेंगे, लास्ट डेट सितंबर की लास्ट डेट कौन सी होती है, 300, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, 9,500 यहाँ पे एंट्री जो है लास्ट है वो ये है। और इसके बाद इसने कहा जो, यहाँ पे वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, यह समझ में ना आए आपको शायद, सबसे पहले तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया, ये चीज़ आपने कंप्लीट कर दी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 9,500 तक। ओके, अब ये कह रहा है यहाँ पे कि 900 के ऐसे स्टॉक है जो गायब है, ठीक है, और 300 का ऐसा स्टॉक है वो भी गायब है। 900 का स्टॉक जो है वो तो गायब है और 300 का तो लॉस है, ठीक है, 300 का लॉस है और 900 का स्टॉक गायब है। तो यहाँ पे मान लिया गया कि स्टॉक है ही नहीं, तो हमें इशू करना पड़ेगा, मान लिया जाएगा कि इशू कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ नहीं है। न्यू जो स्टॉक मैनेजर आया उनका कहना है कि 900 का स्टॉक आपके गोडाउन में होना चाहिए था, जो है नहीं, तो है नहीं, तो हम मान लेंगे कि हमने आपने जो है क्या करा है, इशू किया है। तो इशू किया है वो, तो कौन सी प्राइस जो ऊपर स्टॉक में चल रही होगी वो प्राइस पे हमने इशू कर दिया। ठीक है, समझ में आया। और 300 का तो यहाँ पे कहा गया है कि ड्यू टू लॉस, यहाँ पे लॉस रिपोर्ट हुआ है। देखिए, लॉस जब होता है तो उसकी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो लॉस रिकॉर्ड हुआ है वो लॉस किस कारण की वजह से, क्या नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो है रस्टिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि आप जो यूनिट्स है ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, जो होता रहता है। और जबकि ये 900 जो गायब हो गया, ये लॉस आपका आपकी वजह से है, ठीक है, आपका सही से कंट्रोल ना रहा इसकी वजह से जो है ये, तो 900 यूनिट जो है वो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस में आपका अमाउंट और यूनिट दोनों माइनस होता है। आप जो है अकाउंट में AS2 पढ़ के आ रहे, AS2 में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, AS2 में पढ़ा था कि एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो उसमें यूनिट और अमाउंट दोनों माइनस होता है। ठीक है, मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं AS2 का, तो यूनिट और अमाउंट दोनों माइनस होता है। जबकि नॉर्मल लॉस अगर होता है, नॉर्मल लॉस अगर होता है तो नॉर्मल लॉस हमेशा आपका यूनिट माइनस करता है, ना कि अमाउंट, अमाउंट में कुछ नहीं होता, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट माइनस करना, अमाउंट वही रहेगा, ठीक है, अमाउंट वही रहेगा, ठीक है, अमाउंट में कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 यूनिट्स और 300, 900 एबनॉर्मल है, क्यों, क्योंकि आपने जो है ये चीज़ आपकी वजह से है, मतलब कि गायब है, कैसे गायब है आपको भी नहीं पता, तो सिंपली आपका वो लॉस है, सिक्योरिटी नहीं रखी। जबकि 300 जो है वो आपने कंपोनेंट इधर से उधर करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो लॉस होता है वो आपका जो है नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में यूनिट माइनस होता है, ठीक है, तो वो चीज़ है, आप सिंपली यहाँ पर निकाल सकते हैं।
एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र किया जाता है, और नॉर्मल लॉस जो है वो आपका गुड्स यूनिट माइनस किया जाता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सिंपली आप ये कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके 900 यूनिट्स आपको यहाँ पे कहा गया है, 280 ये रुपीज़ के हिसाब से, और यहाँ पे गोडाउन में स्टॉक हो जाएगा 6900 का, ठीक है, 6900 का स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद 300 का स्टॉक कम होगा क्योंकि नॉर्मल लॉस है, तो 660 का 6600 का स्टॉक हो जाएगा, और आपकी यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। वैल्यू क्यों बदलेगी, देखिए ये भी कैलकुलेट करके दे देता हूँ। सबसे पहले ये आपको क्लियर है कि 900 का स्टॉक है, उतनी वैल्यू से हमने इशू मान लिया क्योंकि ये आपका एबनॉर्मल लॉस था, और गोडाउन में स्टॉक हो गया 6900 का, ठीक है। तो गोडाउन में 6900 का स्टॉक हो चुका, जो 282.04 के हिसाब से जिसकी वैल्यू टोटल हो जाती है 19,46,112। अब इसने कहा 300 यूनिट्स है जो हमने एबनॉर्मल लॉस है, तो मतलब कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एबनॉर्मल लॉस में अमाउंट में कुछ नहीं आता, तो ये 19,46,112 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे ये माइनस होगा क्योंकि लॉस है, तो यहाँ पे 6,600, तो डिवाइड बाई कर लीजिए, तो 19,46,112 डिवाइड बाई 6,600, तो ये आपका आ जाएगा 294.86, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 87, ओके राउंड फिगर। तो यहाँ पे उस तरीके से क्वेश्चन, तो सारे इलुस्ट्रेशन ख़त्म होते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे कम नहीं है, ज़्यादा है। ओके